नहीं, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद 2021 जो है बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके अनुसार कि अगला 1 साल कम से कम लोगों को बचाव करना होगा। जी बेशक, क्योंकि हम लोग को ये लगता है एक चीज के भी 2-3 महीने में चला जाएगा, 4-5 महीने में चला जाएगा। अगर हम लोग तय कर लें पूरे इंडिया में कि पैन इंडिया में कि हम लोग सबको मास्क पहनेंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट वी कैन गारंटी कि 2-3 महीना 4 महीना में जो कोरोना जा सकता है। झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में विशेष बातचीत में हमारे साथ कलकत्ता से सीधे जुड़ रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद गुलाम हैदर साहब। डॉक्टर साहब की ये खास बात ये है कि जब से कोरोना की ये जो बीमारी है, महामारी है, स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, पहले दिन से आप मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जब लोग मरीजों से बात करना पसंद नहीं करते थे, तो डॉक्टर साहब एक ऐसे डॉक्टर हैं जो लोगों के घर जाकर के उनका इलाज करते, उनको दवाएं पहुंचाते थे। तो इस मामले में करके डॉक्टर साहब बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर साहब वतन समाचार के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कितना बड़ा चैलेंज था शुरुआती दिनों में, जब शुरुआत यहीं से करते हैं, जब कोई रिश्तेदार, कोई बेटा अपने बाप से, बहन अपने भाई से मिलने के लिए तैयार नहीं होती थी, उन दिनों में आप ले जा करके लोगों को दवाएं पहुंचाते थे, खुद उनका एक डॉक्टर के तौर पर उनका टेक केयर करते थे। शुरुआती दौर में बहुत दिक्कत था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह था कि देयर वाज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन नहीं थे हमारे कि कैसे ट्रीट करना है पेशेंट को, क्या क्या सिम्टम्स है जो कि मतलब यू कैन कंसिडर कि ये पेशेंट कोविड का है या नहीं है, और एग्जैक्ट ट्रीटमेंट शुरू में नहीं था। तो जनरल वायरल फीवर की तरह ही हम लोग ट्रीट कर रहे थे। तो शुरू का दौर बहुत ही मुश्किल था। धीरे 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 जब यूरोपियन कंट्रीज में जब ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया, स्पेशली इटली और अमेरिका में, तब तो वहाँ से कुछ खबरें आने लगी, क्योंकि वहाँ पे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स हुए कि मतलब जो मोस्ट ऑफ द डेथ हो रहे थे बिकॉज ऑफ द क्लॉटिंग, मतलब खून जो है हर ऑर्गेन्स में जम जाते थे और लंग इतना ज्यादा सूज जाता था कि जो है सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता। तो वहां से स्टेरॉइड और जो है एंटी कोगुलेशन का जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, वो सबसे बड़ा लैंडमार्क था। और शुरू के दौर में जब सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह था कि लोगों को पता नहीं था कि इन्फेक्शन फैलता किस लिए, इसलिए सब लोग डरे हुए थे और इवन डॉक्टर फ्रेटर्निटी भी सभी लोग डरे हुए थे। तो इसलिए जो है कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना चाहता था। एक तो है कि आइडिया नहीं था कि कैसे करें, दूसरा चीज है खुद को ही डर था कि सबसे ज्यादा चांसेस डॉक्टर्स को होते हैं इन्फेक्शन होने का, तो इसलिए जो है लोग डरे हुए थे उस वक्त। मुझे लगा कि भाई अगर हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। दूसरा चीज है कि लोग सिर्फ फीवर तो बहुत मुख्तलिफ रीजन से होते हैं, तो सिर्फ कोविड ही तो नहीं है ना, बहुत सारे रीजन, बहुत हार्ट फेलियर हो की वजह से सांस का तकलीफ हो सकता है, लंग इन्फेक्शन की वजह से फीवर आ सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम। उसकी वजह से भी लोग ने बहुत सफर किया। सही से प्रोग्रामिंग नहीं हुआ था कि किस तरह जो है ट्रीटमेंट करना है और किस तरह से लॉकडाउन, किस तरह डॉक्टर्स को सही गाइडलाइन नहीं था। इसकी वजह से शुरू का दौर बहुत मुश्किल, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। अब डॉक्टर साहब, सूरत हाल कैसी है, सिचुएशन कैसी है, अब क्या कुछ हो रहा है? अभी तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल तैयार हो गया है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है। सबको पता है कि ट्रीटमेंट मतलब किस तरह से करना है, ये गाइडलाइन तैयार है। मुश्किल ये है कि अभी भी लोग जो है समझ नहीं रहे कि इसका मतलब कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये। शुरू में जो है लोग डरते हैं कि भाई डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, या क्योंकि आस पड़ोस लोग जान जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। इसी की वजह से लोग जब डॉक्टर के पास आते हैं तो काफी लेट हो जाता है। जिन जो प्रेजेंट करते हैं लेट सिचुएशन में, उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, वो बहुत चैलेंजिंग होता है डॉक्टर्स के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आप सूरत हाल नॉर्मल होती दिख रही है आपको। एक तरफ खबर ये भी है कि हम तीसरे फेज में दाखिल हो चुके हैं। ये फेजेस वगैरह जो है ये बहुत मुश्किल है बताना कि कौन सा फेज में है, क्योंकि महामारी में एक प्रॉब्लम ये होता है कि शुरुआती दौर में लोग थोड़ा अवेयर रहते हैं, लेकिन इंसानी फितरत है, थोड़े दिन बाद लोग रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे रिलैक्स होंगे तो मास्क वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे या कैजुअली इस्तेमाल करेंगे, क्राउडी प्लेस में ज्यादा जाने लगेंगे, नॉर्मल जिंदगी जो है लोग यूज, और तभी जो है फिर से इन्फेक्शन होगा। तो ये एक फेस, दो फेस, मल्टीपल फेसेस हो सकते हैं। तो लोग को कभी भी कंप्लेसेंट नहीं होना, आराम से नहीं कि भाई अभी तो कोरोना भाई कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। इट इज वेरी डेंजरस, स्पेशली उम्र दराज लोगों के लिए बहुत डेंजरस है। और हम लोगों को
ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि यंग है, सब ठीक हो जाएगा, लोग को एक दिन फीवर आया, ठीक हो गया, लेकिन जाने अनजाने में हम किसी को बहुत तकलीफ दे जाते हैं। इसलिए जो है हम लोग को जब तक इन्फेक्शन एकदम कंट्रोल में नहीं आ जाए तब तक जो है एकदम पूरा जो है मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और बूढ़ों को बचाना है। डॉक्टर साहब, एक तबका वो भी है जो कहता है कि मास्क जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, डिस्टर्बिंग बन रहा है, उससे बीमारियां कहीं ना कहीं बढ़ रही है। एक तबका ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं इस बात को भी फैला रहा है, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वी हैव हम लोग बहुत सारे सिचुएशंस ऐसा देखे हैं जहाँ पे कोविड पेशेंट्स के साथ हम लोग मतलब इंटरेक्शन हुआ है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो गए थे, वो दूसरे डॉक्टर्स के साथ बैठे हुए काफी देर डिस्कशन हुआ, ठीक है, दोनों मास्क पहने हुए थे, तो बाद में पता चला कि नहीं भाई उनको इन्फेक्शन हुआ था कल, हम उनके साथ थे, लेकिन सिंस वो दोनों मास्क पहने हुए थे कि प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मास्क बैरियर होता है, दोनों तरफ अगर लोग मास्क पहने, स्पेशली जिसके पास इन्फेक्शन हो, तो ये मतलब बहुत बड़ा प्रोटेक्शन का रीजन। अगर हम लोग तय कर लें पूरे इंडिया में कि पैन इंडिया में कि हम लोग सबको मास्क पहनेंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट वी कैन गारंटी कि 2-3 महीना 4 महीना में जो कोरोना जा सकता है। लेकिन हाँ, मास्क पहनना पड़ेगा 100% लोगों। एक मास्क की लाइफ टाइम क्या होती है? एक मास्क कितने दिनों तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, मुख्तलिफ किस्म के मास्क हैं। एक जो है N95 मास्क आता है जो कि हॉस्पिटल्स में यूज होता है, दूसरा चाइनीज ब्रांड है जो KN95 है, वो भी सिमिलर है, और बाकी जो है जो कॉमन पब्लिक यूज करते हैं जो कॉटन का होता है, डबल लेयर ट्रिपल लेयर। तो जो डबल लेयर ट्रिपल लेयर मास्क है वो सुबह पहनना चाहिए सामने उतार के, एंड देन उसको वॉश करके और अच्छे से साबुन से वॉश कीजिएगा, तो नेक्स्ट डे फिर से आप पहन सकते हैं। लेकिन जो N95 मास्क है वो वन टाइम यूज ही है, ठीक है। लेकिन वो तो काफी कॉस्टली होता है और आप बता रहे हैं वन टाइम यूज है जी। तो पब्लिक को जो है, अगर मान लीजिए अगर आप मास्क पहने हैं, अगर कॉटन का डोलियर का मास्क पहने हैं और हम भी मास्क पहने हैं, तो अगर 70% अगर ब्लॉकेज हो रहा है आपका, 70% मेरा, तो मोटा मोटी ये चांसेस हो जाता है कि भाई स्प्रेड नहीं करेगा। कॉटन का मास्क इजीली वॉशेबल होता है, सो यू कैन वॉश इट। फॉर कॉमन पब्लिक कॉटन का मास्क यूज करना चाहिए, डबल लेयर, मिनिमम डबल और ट्रिपल लेयर। एक आदमी की क्या जिम्मेदारी है एज अ डॉक्टर, क्या आप देख रहे हैं कोरोना को लेकर के, और सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या दोनों अपनी जिम्मेदारी में कमजोर साबित हो रहे हैं या दोनों अपनी जिम्मेदारी को जिम्मेदारी के तौर पर अदा कर रहे हैं? बेशक सरकार और पब्लिक दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से पीछे हैं। हम लोगों को ये लगता है कि भाई मास्क कुछ भी नहीं है, मैक्सिमम अमूमन लोग जो है मास्क नहीं पहनते हैं, और आप क्राउडी प्लेसेस में जाते हैं, एक साथ एक आदमी कितने लोग को इन्फेक्शन फैला सकता है इसका कोई अंदाजा नहीं है। और सरकार जो है जिस चीज पे ध्यान देना चाहिए वो है इंसान को क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए। आप किसी को पब्लिक प्लेसेस में जाने से नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने लॉकडाउन को झेल लिया, इट वॉज टफ टाइम इकोनॉमिकली और मेंटली भी, तो ये पॉसिबल नहीं कि लोग घरों में ही रहेंगे। तो बेसिकली आपको एजुकेट करना होगा लोगों को कि भाई आप मास्क पहनिए, अच्छे ढंग से पहनिए, विदाउट मास्क आप नहीं निकल सकते हैं, इस चीज को मैंडेटरी करना होगा। जैसे कि हम लोग बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनते हैं, जैसे गाड़ी चलाते सीट बेल्ट पहनते हैं, उस तरह से मास्क एकदम कंपलसरी कर देना चाहिए सबके लिए। ये अगर 100% लोग पहनने लगे तो बहुत जल्दी हम महामारी पे कब्जा पा लेंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। कितना दिन लगेगा ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बीमारी जो चाइना से आई थी, कई बार चाइना पे आरोप भी लगा, लेकिन अब चाइना में जिस तरह की खबरें आ रही, लगता है कि चाइना में हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। चाइना का शुरुआती पॉलिसी बहुत ही अच्छा था, ये लोगों को समझना चाहिए कि उन लोगों ने किस तरह से कंटेन किया इस वायरस को। वायरस जो है बाहर फिजा में जो है कंटिन्यूसली नहीं रह सकता है, इसको किसी न किसी इंसान या होस्ट का जरूरत पड़ता है जहां पे वो मल्टीप्लाई करेगा। तो कम्युनिकेशन, अगर एक वायरस को एक इंसान से दूसरे इंसान में अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो ये वायरस सर्वाइव नहीं करेगा। तो कम्युनिकेशन को रोकने का क्या क्या उपाय है, एक होता है लॉकडाउन, दूसरा होता है मास्क पहनना, एजुकेटेड लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग, हमारा पॉपुलेशन बहुत हाई है, हाईली डेंस पॉपुलेशन है, शहरों में बहुत ज्यादा
मतलब डेंसिटी है, इसलिए यहाँ पॉसिबल नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, बट मास्क पहनना ये पॉसिबल है। ठीक है, इवन अगर घर में किसी के बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उनको जो है एटलीस्ट जो लोग बाहर जाते हैं जब घर आए तो कम से कम उनसे दूरी बनाए रखें, मास्क हल्का छोटा सा मास्क पहने ताकि जो है उनको बचाया जाए, क्योंकि जवान लोग को कुछ भी नहीं होगा मैक्सिमम केसेस में, कुछ यंग लोग भी बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ओल्ड एज लोगों को बचाना बहुत मुश्किल होता है, उनका लंग जो है ऑलरेडी वीक होता है। लेकिन डॉक्टर साहब आपने देखा होगा अभी बिहार के चुनाव हुए, जिस तरह से क्राउड पे क्राउड चढ़ा हुआ था, और कोई एक सिंगल खबर बिहार से ऐसी नहीं आई चुनाव के दौरान कि बिहार में कोरोना का कोई स्प्रेड हुआ हो या कोरोना कोई महामारी में परिवर्तित हो गया हो, तो लोग कैसे विश्वास करें कि कोरोना कोई बहुत बड़ी बीमारी है, जब सरकार चाहती है तो इलेक्शन में लाखों की भीड़ जमा हो जाती है और जब सरकार चाहती है तो 2,000 रुपए मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगा देती है, तो लोग विश्वास कैसे करें? देखिए सरकार तो हम ही है ना, सरकार तो कोई और नहीं है, सरकार हम में से है, लोगों को बेवकूफ बनाना भी जो है ना जो पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, वो अपने जरूरत के हिसाब से लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जब लगता है कि भाई लॉकडाउन करने से उनको पॉलिटिकल फायदा होगा तो वो करते हैं, ये सभी करते हैं, और जब लगता है कि नहीं गैदरिंग होने से उनका फायदा होगा तो वो भी करते हैं, उनको पब्लिक से बहुत ज्यादा कोई वास्ता नहीं है, उनको सिर्फ ये होता है वोट बैंक का पॉलिटिक्स, किसी का भी कोई भी मुख्तलिफ पार्टी का बात नहीं है, बट ये सबका ही यही इशू है। देखिए गैदरिंग इज नॉट अलाउड, इट शुड नॉट बी अलाउड। ठीक है, अब आप मस्जिदों में लोगों को गैदर करने नहीं बता रहे, अब गुरुद्वारा मंदिरों में लोग को मना कर रहे हैं और यहाँ पे जो है रैलियस करते जा रहे हैं, दिस इज हिपोक्रेसी, और इनसे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में टेस्टिंग कम कर दीजिए, ठीक है टेस्ट कीजिए ही नहीं तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि स्प्रेड हो गया है। और जहां बात बिहार का है, बिहार में मतलब चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम है, बिकॉज बिहार में ज्यादातर लोग शहरों से माइग्रेट करके गए हैं, वहां डायरेक्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत कम है, इसलिए वहां पे ओवरऑल केसेस कम मिलेंगे, बट सेम सिनेरियो आपको महानगरियों में नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक गैदरिंग, कोई भी फेस्टिवल देख लीजिए, केरला में जब ओणम हुआ, दिल्ली में जब दिवाली हुआ, उसके बाद केसेस बढ़े हैं, कोलकाता में दुर्गा पूजा के बाद केसेस, दुर्गा पूजा में लोगों ने काफी मतलब अवेयरनेस के साथ इस फेस्टिवल को मनाया, फिर भी जो है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन बढ़ा है। तो ऐसा नहीं है कि पूजा या इस गैदरिंग से इन्फेक्शन नहीं फैलता, फैलता है, और कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है ना वायरस का, दिस इज ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करता है थ्रू ड्रॉपलेट्स, थ्रू एयर बोट। लेकिन यहाँ दिल्ली में हम लोग रहते हैं, दिल्ली में कई सारे पत्रकारों से, सरकार के लोगों से हमारी बात हुई, तो बताते हैं क्योंकि दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है इसलिए लगता है कि कोरोना बढ़ रहा है, यहाँ टेस्टिंग नहीं हो रही है वहां तो आपको नजर ही नहीं आएगा। देखिए हर रोज लोग पैदा होते हैं, हर लोग मरते हैं, ठीक है, जब तक आप मरने का कॉज नहीं ढूंढेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा किसलिए लोग मरे हैं। ठीक है, तो ठीक इसी तरह टेस्टिंग कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, टेस्टिंग कीजिएगा तो आप लोग को आइसोलेट कर पाएगा, नहीं टेस्टिंग कीजिएगा तो फिर मुश्किल है ना। तो एक चीज हम लोग का अनुमान के हिसाब से, हम लोग का अजम्पशन के हिसाब से, जो नंबर ऑफ डायग्नोज केस है, एक नंबर ऑफ डायग्नोज केस के पीछे मिनिमम 20 तो मिनिमम हम लोग समझते हैं कि 20 अनडायग्नोज केस है, उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। सपोज कि अगर मैं इन्फेक्टेड हूँ और मैं एक कोई रेलवे स्टेशन पे गया और वहां पे एक ट्रेन आई और ट्रेन, तो चांसेस है ना कि एक आदमी जो है 100 लोग को इन्फेक्ट कर सकता है, और इसके सिवा तो और कोई वे नहीं है ना इन्फेक्शन का, दिस इज ओनली वे के लोग इन्फेक्शन एक दूसरे को स्प्रेड करते हैं। सो ये मतलब बदगुमानी में नहीं रहना चाहिए लोगों को। एज अ डॉक्टर पिछले जो एक तकरीबन साल भर का अरसा गुजरने वाला है, इस पूरी महामारी से आपने क्या सीखा और क्या हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना बचाव करें, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आज भी मस्जिदों में जाने के लिए जिद करते हैं, छूट भी मिल चुकी है चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, गैदरिंग की भी छूट मिल चुकी है, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 200 लोग हैं, कहीं 300 लोग हैं, कहीं 100 लोग हैं, तो एक बड़ा चैलेंजिंग और बड़ा टिपिकल दौर जिससे हम गुजर रहे हैं। हाँ ये बात तो सही है, मतलब इतना लंबा अरसा हो गया है, लोग अपना नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, ये तो सब कोई चाह रहा है, लेकिन ये चीज समझना पड़ेगा कि
अभी भी पेंडेमिक ओवर नहीं हुआ है। जहां तक बात लोगों को गैदरिंग के लिए है, तो कम लोग गैदर हो एक जगह, मास्क पहने कोशिश, जैसे सपोज मस्जिदों में नमाज जो है, तो अगर जुमे की नमाज में जहाँ पे गैदरिंग ज्यादा होती है तो उसमें ये करें कि 2-3 जमात कर लें और सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ें और बाकी अपना घर में नमाज पढ़ें, नमाज को शॉर्ट कर दें, सब कोई मास्क पहन के रहे, तो चाहे तो आदमी कर सकता है, लेकिन ये सब चाहने पर है। दूसरी चीज है मंदिरों में या गुरुद्वारों में सेम चीज फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो एक चीज ये हो, दूसरा चीज लोग काम पे तो अब रिटर्न होना पड़ेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि लोग अपने काम नहीं करेंगे, कितने दिन तक इस तरह से रह सकते, तो मास्क पहने जहां पे भीड़ भाड़ का जो है बहुत ज्यादा मतलब कंजेस्टेड हो तो वहां फेस शील्ड भी यूज करें, क्योंकि प्रिवेंशन के सिवा और कोई उपाय नहीं है। दूसरा चीज है कुछ विटामिन है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन D3, ये रेगुलर बेसिस पे लेते रहे, क्योंकि अमूमन देखा गया है कि जिसका विटामिन D3 डेफिशिएंसी होता है तो उसको कोविड का जो इन्फेक्शन होता है बहुत डेंजरस होता है, इसलिए विटामिन D3 अपना मेंटेन रखें, उसके लिए सनलाइट्स में थोड़ा बैठना, विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना, तो ये करते रहें, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते रहें ताकि जो है आपका लंग जो है तगड़ा रहे, तो आप जब ये इन्फेक्शन हो तब उससे बचाव कर सकते। और कभी भी बदन हाथ में अचानक से दर्द हो, मतलब बहुत ज्यादा दर्द हो गया, फीवर हो गया, तो अपने आप को आइसोलेट कर ले, कभी ये नहीं सोचे कि नहीं कोरोना नहीं हो सकता है, पहले ये सोचे कि ये कोरोना हो सकता है, कोई भी फीवर हो आपको, कुछ भी आपको लगे, पहले ये सोचिए कि आपको कोरोना हो सकता है, इसलिए पहला चीज ये होना चाहिए आइसोलेट करें, मास्क पहने, जैसे ही फीवर है एकदम स्ट्रिक्ट मास्क पहनना शुरू करें, तो इससे बहुत हद तक बचाव होगा। तो पब्लिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग इरिस्पॉन्सिबल हैं, लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है कि हमसे कितने लोग स्प्रेड कर रहा है या क्या है, इससे कोई लेना देना नहीं है। जिसके घरों में लोग 15-15 दिन 20-20 दिन ICU में रह के आ चुके, उनसे पूछिए कि कोविड कोरोना क्या होता है, डॉक्टरों से पूछिए कि एक पेशेंट को बचाने के लिए पूरा दिन और रात एक हो जाता है, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है, आपको इधर उधर कोशिश करते रहना पड़ता है, ट्रीटमेंट के बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है और ऑक्सीजन सप्लाई करना बहुत मुश्किल है, किसी किसी पेशेंट को 40-40 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन, 60 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट लगता है, ये बहुत हाई डिमांड है, तो पूरा हेल्थ केयर जो है इस पे लगा हुआ है, तो उनको राहत देने के लिए आप लोग प्लीज मास्क पहने और कभी भी फीवर हो तो अपने आप को आइसोलेट करें, नेग्लेक्ट मत कीजिए, ठीक है। मे बी आपको कोई और टाइफाइड हो सकता है, आपको डेंगू हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, बट वो बाद में डायग्नोसिस हो जाएगा, उसके बाद आप मिक्स कीजिए, लेकिन जब तक डायग्नोज नहीं हो प्लीज आइसोलेट कीजिए अपने आप को। डॉक्टर साहब, अभी पार्लियामेंट्री कमेटी की एक रिपोर्ट आई है जो हेल्थ पर बनी हुई है, रामगोपाल यादव जी के नेतृत्व में बनी थी, उसने भी हेल्थ सिस्टम में जिस तरह से हमारे देश का चरमराया हुआ है और जिस तरह से कोरोना में डॉक्टरों ने, ये आरोप है डॉक्टरों पर, डॉक्टरों ने लूट मचाई है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? हेल्थ सिस्टम पे पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है, एजुकेशन पे पैसा बहुत कम खर्च हो रहा है। देखिए, ये तो दो बुनियादी चीज है, एजुकेशन और हेल्थ, ये एक ऐसा चीज है कि दो चीज को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। जब लोग एजुकेटेड होंगे तो डेफिनेटली हेल्थ पे लोग का ध्यान जाएगा, क्योंकि लोग सबको ही चाहते हैं कि फिट रहें, स्वस्थ रहें, तो हमारे देश में सही मायने में एजुकेटेड लोग बहुत कम है, सही मायने में, जिसको बात करने का ढंग हो, जो रैशनैलिटी हो, ये बहुत कम है, ठीक है। लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, लोग मास्टर्स हो जाते हैं, लेकिन रैशनल बात नहीं करते, ठीक है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों का। इवन के आई हैव सीन के मतलब डॉक्टर्स होने के बावजूद लोग रैशनल बात नहीं करते हैं, तो इंसान को रैशनल होना चाहिए, ठीक है, और ये समझना चाहिए कि भाई हमारा एजुकेशन को सही डायरेक्शन में लगाया जाए। अभी देखिएगा सबसे ज्यादा करप्टेड लोग कौन है, जो सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग, क्योंकि उनका करप्शन इतना ऊंचा होता है कि उसको समझना बहुत मुश्किल होता है। जितने IAS ऑफिसर्स हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, अगर ये नहीं ये चाहें कि भाई हम यूनाइट होके एक अच्छा हेल्थ सिस्टम बनाए, तो क्यों नहीं बन सकता है? अगर ये चाहें कि यूनाइट होके हम अच्छा एक एजुकेशन सिस्टम बनाए जहाँ पे हिंदुस्तान के हर बच्चे को सही एजुकेशन मिले, तो इट इज पॉसिबल, इट्स नॉट दैट इट्स नॉट पॉसिबल। सब चीज पॉलिटिशियंस के ऊपर छोड़ दीजिएगा तो बहुत मुश्किल है। पॉलिटिशियंस आर यूजली अनएजुकेटेड पीपल, दे आर, यू डोंट
वी शुड नॉट रिलाई ऑन पॉलिटिशियन. हम लोगों को अपने पॉलिटिकल सिस्टम पर रिलाई नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा, देश डेवलप नहीं कर पाएगा. तो सर कोई फाइनल कमेंट आपका इस पूरे प्रकरण में, खासतौर से चाइना को, अमेरिका, फ्रांस, यूरोपियन देशों को देख करके, लैटिन अमेरिका को देख के? एक चीज है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पे लोग जो है बहुत कंजेस्टेड, मतलब बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ का, इसलिए जो है यहाँ पे लोगों को एक चीज समझना पड़ेगा कि अगर हमको बचना है तो मास्क पहनना है. मे बी हम बच जाए, बट हम एटलीस्ट सोर्स नहीं बने दूसरे की मुसीबत का, ये चीज ध्यान रखना चाहिए. इसलिए मास्क पहनिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए कि भाई हम अगर कोरोना कैरियर नहीं बने, अगर हम इन्फेक्टेड हो जाए, अपने आप को आइसोलेट करें, मास्क स्ट्रिक्टली पहने, कभी भी पब्लिक प्लेस में जाए मास्क पहने, जैसे कपड़ा होता है, जैसे शर्ट होता है, पैंट होता है, कुर्ता पैजामा पहनते हैं लोग, उस तरह मास्क को एक पार्ट ऑफ अ क्लोथ बना लें, ठीक है, फॉर नेक्स्ट वन ईयर प्लीज. अगर ये कीजिएगा तो हेल्थ केयर के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा. और दूसरी चीज है, जहां तक एक बात है, डॉक्टर से मेरी अपील है, सभी डॉक्टर से, कि ट्राई कोशिश करें कि ठीक है, लोगों को मिसगाइड नहीं करने का, ठीक है, थोड़े से पैसे के लिए जिसका जरूरत नहीं है उसको हॉस्पिटल्स में एडमिट ना करें, जिसको जरूरत हो उन्हीं को एडमिट करें. हम बहुत सारा केसेस देखे हैं कि जहाँ पे लोग जो एकदम एसिम्टोमेटिक है या माइल्डली सिम्टोमेटिक है, लेकिन उनको भी लोग एडवाइस करते हैं कि भाई एडमिट हो जाइए, क्योंकि आपका इंश्योरेंस है, आपका पास पैसा है. बट दैट्स नॉट द वे, कि जिसको जरूरत नहीं है उसको क्यों एडमिट कीजिएगा, हॉस्पिटल का एक बेड एक्वायर्ड हो जाता है. इंश्योरेंस का ही सही, लेकिन एक पैसा तो जाता है ना, एक रिसोर्सेस तो लॉस होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन यूज हो गया वो तो वापस नहीं आएगा ना, इसलिए जो है रिसोर्सेस को गलत जगह नहीं सही जगह इस्तेमाल करें, और हिम्मत से कोशिश करें, ठीक है, ताकि जो है हम लोग सबको मिल के जो है इस चीज, इस कोरोना को के साथ लड़ाई कर पाए. और पब्लिक को ज्यादा कोशिश कीजिए, मतलब एजुकेट कीजिए, जितना ज्यादा लोग एजुकेट होगा उतना आसान होगा इस चीज. नहीं, हम लोग तो ये सोच रहे थे कि शायद 2021 जो है बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन आपके अनुसार कि अगला एक साल कम से कम लोगों को बचाव करना होगा. जी बेशक, क्योंकि हम लोगों को ये लगता है एक चीज के भी 2-3 महीने में चला जाएगा, 4-5 महीने में चला जाएगा. सपोज 40% लोग इन्फेक्ट हो गए, 60% तो बाकी है, 30% अगर इन्फेक्ट हो गए तो हर्ड इम्यूनिटी अभी बहुत बहुत दूर है, ठीक है. तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूसली एक साल तक आप अगर मास्क पहने रहे, 3-4 महीना एटलीस्ट अच्छा से पहने, तो वी कैन रिड्यूस टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, बहुत हद तक हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए. थैंक यू. उम्मीद करते हैं कि आपने जो गाइडलाइंस बताई हैं, जो हिदायत बताई हैं, यकीनन हमारे जो देश के लोग हैं वो काफी जिम्मेदार हैं. कई बार इंसान होने के नाते गलतियां होती हैं, चूक होती हैं, लेकिन हम अपेक्षा यही करेंगे लोग आपकी हिदायत पर अमल करेंगे, ताकि हम एक ऐसा इंडिया बनाएं जो हेल्दी हो, एजुकेटेड हो, इसमें एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो जो सबके लिए सूट करे. एक इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, हिंदुस्तान को या किसी देश को तरक्की करना है तो उनका रोड, उनका बिल्डिंग्स देख के उसको तरक्की नहीं माना जाता. जिसके लोगों के सोच अच्छे होते हैं, जहाँ के लोग एक दूसरे से यूनाइटेड रहते हैं, जहाँ के लोग में भाईचारा है, वही लोग तरक्की करते हैं. बाकी सब फेलियर लोग. कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, कौन कहाँ का है, इससे कोई लेना देना नहीं. हम सब इंसान हैं और इंसानियत को जो है ध्यान रखते हुए हम लोगों को सारा जो है अपना जिंदगी में डिसीजंस लेना चाहिए. एक दूसरे का साथी बनना चाहिए, दुश्मन नहीं. और शायद इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी ये बात कही थी कि जब शिकागो में वो भव्य सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोटी है, और मैं एक ऐसे देश से आता हूँ जिसने सभी धर्मों के प्रताड़ित लोगों को शरण दिया है. हमारे पूर्वजों की सोच बहुत बड़ी थी, बहुत फैली हुई थी, उसी सोच पे हम लोगों को आगे चलने की जरूरत है, चाहे वो स्वामी जी हो या गांधी जी हो. जी, डाइवर्सिटी, जिसे एक चीज अगर आदमी सोचे कि दुनिया जो है बहुत बड़ी है, ठीक है, अल्लाह ने, ईश्वर ने जो दुनिया बनाई है वो बहुत बहुत वाइड दुनिया ना. एक जगह लोगों का फीचर्स अलग होते हैं, एक रहन सहन अलग होता है, खान पीन अलग होता है, कलर अलग होता है, लेकिन एक चीज यूनाइटेड, वो है इंसानियत. इंसान तो एक ही जैसा, उसका दिल तो एक ही चीज चाहता है.
तो इंसान तो को सब में इंसान जो ब्लड का कलर है कम से कम उसको तो अलग नहीं कर सकते आप। एकदम नहीं किसी चीज को, अगर जेनेटिक लेवल में भी देखे तो मेजोरिटी ऑफ द लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इंसान की जरूरियात सेम है, चाहे वो अफ्रीका से हो, चाहे अमेरिका से हो, इंडिया से हो, या कहीं से भी हो। तो एज ए इंसान जो है एक दूसरे को मदद करना चाहिए, ये मैसेज सबको देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी हिदायत पे लोग अमल करेंगे ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, थोड़ी सी ही सही लेकिन कुर्बानी देंगे देश से कोरोना को हराने के लिए और भगाने के जी लिए। जिस तरह से खासतौर से चाइना ने काबू पाया है वो यकीनन हमारे लिए एक रोल मॉडल हो सकता जी है स्ट्रिक्ट कि किस तरह से हम उसको हराएं। मास्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, मास्क नहीं तो फिर कोरोना से जीत नहीं। मास्क ही जिंदगी है, कम से कम 1 साल मास्क को जीवन बना लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।